बच्चों ने पी लिया, जिस वजह से उनका चेकअप करने के लिए। सीतापुर में एक बार फिर से चर्चा का विषय बना सरकारी विद्यालय। गोंदलामऊ क्षेत्र के सम्मिलित पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर पश्चिमी में छिपकली गिरने से विषाक्त दूध पीने से बच्चों की हालत बिगड़ी। ब्लॉक गोंदलामऊ के कंपोजिट विद्यालय गोपालपुर पश्चिमी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आयुष नाम के एक लड़के को गिलास में पीने के लिए दूध दिया गया और उसी दूध में छिपकली प्राप्त हो गई। उस लड़के ने तत्काल इसकी सूचना प्रधानाध्यापिका को दी। इस मामले को जब तक विद्यालय स्टाफ कुछ समझ पाता तब तक बच्चों की हालत बिगड़ने लगी थी। बच्चों की हालत बिगड़ती देख स्कूल की प्रधानाध्यापिका नीलम सिंह द्वारा आनन फानन से सूचना शिक्षक संघ के अध्यक्ष अजय सिंह को दी। मौके पर अजय सिंह पहुंचकर मामले को शांत कर बच्चों के इलाज के लिए गोंदलामऊ सीएचसी से डॉक्टरों को बुलाया गया, जहां बच्चों की हालत की जांच कर दवाइयां दी गईं। कुछ देर बाद मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह भी पहुंचे। फिलहाल इस मामले में किसी बच्चे की हालत नाजुक नहीं है। हेल्थ चेकअप सारे बच्चों का कर लिया गया, वो सभी के सब नॉर्मल है, क्योंकि घटना को 3 घंटे लगभग हो चुके हैं, तो अब ऐसी किसी भी समस्या की कुछ मुझे संभावना नजर नहीं आ रही कि कुछ बच्चों को समस्या ऐसी होगी, ऐसा कुछ संभावना नहीं है। पीएससी संद्रा से? हाँ जी, पीएससी संद्रा। क्या नाम है? वैशाली। क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत भैया, बच्चा दूध हमरो पीन है जी, उल्टी एक विवाह की है, खबर हम का मिल ही रहा है। क्या निकला है उसमें? क्या नाम है बच्चे का आपके? मंजेश। आपका क्या नाम है? महेश। निकला किस बच्चे के गिलास में है? अभिषेक किरण। तो हाँ, कैकन बच्चे में निकला है। आयुष। आयुष किरण।